हेलो पीपल, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल माय मोटर गाड़ी। ये हमारी टाटा नेक्सॉन है जिसको 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2.5 साल के अंदर हम इतने सारे मैट्स यूज कर चुके हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है मैट को यूज करना, क्योंकि आपकी गाड़ी के अंदर किस मैट से कितनी बदबू आ सकती है और कौन सी मैट आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से, आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप नई गाड़ी परचेस करने वाले हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कितनी टाइप की मैट्स आती हैं। देखिए, ये 3 टाइप की मैट्स मैंने सामने रखी हैं, लेकिन एक टाइप की और मैट आती है जो आप कस्टम बनवाते हैं अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग। अब ये जो मैट है आपको रेडीमेडली कहीं पर भी ऑनलाइन अमेजोन या फिर आपके लोकल मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गाड़ी के अंदर मैट आती है। देखिए, आप बोलेंगे गाड़ी के अंदर मैट आती है तो गाड़ी के अंदर मैट लगाने की जरूरत क्या है। ये आती है गाड़ी के अंदर मैट, आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हल्का से वेलवेट टेक्सचर के साथ आती है और इस वेलवेट टेक्सचर में दिक्कत ये है कि ये धूल मिट्टी बहुत जल्दी पकड़ता है और इसको साफ करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इस मैट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा मैट भी लगवाते हैं, पूरी लाइनिंग लगवाते हैं गाड़ी के अंदर, पूरी सीट्स निकलवा के लाइनिंग लगवाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एक अलग से मैट लगवाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस जो ओरिजिनल मैट है इसको अपने साथ ही रखिए। अंदर की मैटिंग अगर आप लगवाना चाहते हैं, डैम्पिंग करवाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप करवा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर नॉइज बहुत ज्यादा आती है किसी किसी गाड़ी के अंदर, तो वहां पर वो अलग से आपको एक डैम्पिंग प्रोवाइड करती है। जो आप गाड़ी परचेस करेंगे उसके साथ आपको ये वाली मैट मिलने वाली है, बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है इसके अंदर और ये पूरा कवर भी नहीं करती। मैं इसको काफ़ी टाइम से गैराज में रखा हुआ है और ये देखिए इतना सा कवर करती है। तो अगर आपके वहाँ पर धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है तो इसको यूज़ करना, अदरवाइज तो इसको आप नीचे डाल दीजिए। इस मैट को मैंने कुछ 3-4 महीने यूज़ किया। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कहीं भी गंदगी रोकती ही नहीं है, तो गंदगी रोकती नहीं तो काम नहीं होता। उसके बाद मैंने परेशान होकर काफ़ी रिसर्च किया, देखा कि कौन सी मैट ली जाए, तब उस टाइम पे ये वाली मैट काफ़ी ट्रेंडिंग में थी। अब ये जो मैट है ये आपको देखने में काफ़ी अच्छी लग रही होगी, मतलब मोटा मोटा लेदर फिनिश आ रहा होगा और उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये जाली लगी हुई है। ये जो जाली है ये काफ़ी इफेक्टिव है, आप अगर गाड़ी के अंदर बैठते हैं कहीं किसी मौसम के अंदर बैठते हैं तो ये जो मैट है ये आपकी धूल मिट्टी बड़े आराम से पकड़ती है। ये आप देख रहे हैं होल, ये इन होल्स के साथ अलाइन होके ये पकड़ लेती है इसको। लेकिन इसमें दो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये लेदर फिनिश का जो बोल रहे हैं आप, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि जब आपके पैर गीले हो और आप इसके ऊपर रखेंगे और ये जो है पानी को अब्सॉर्ब करके अपने अंदर रख लेगी और अंदर रखने के बाद इसके अंदर से बदबू आने लगती है, बहुत बड़ी दिक्कत है। जब तक आप इसको धूप में हर वॉश के बाद सुखाएंगे नहीं तब तक ये बदबू मारता रहेगा, और अगर आप थोड़े से आलसी हैं मेरी तरह तो ये काम की नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद सेकंड दिक्कत ये है, ये जो आप होल्स देख रहे हैं, अगर आप इसको वॉश कराते हैं तो इनके जो ढक्कन होते हैं जो इसको प्लेस पे रखते हैं अपनी जगह पे रखते हैं वो तुरंत गुम हो जाएंगे और तुरंत टूट जाएंगे, तो ये जो है ये सरकती रहेगी और आपके क्लच ब्रेक के नीचे आते रहेगी, तो बहुत डेंजरस भी है और काम की नहीं है। और दूसरी जो दिक्कत मैंने आपको बताई दी है कि इसके अंदर बदबू बहुत ज़्यादा आती है, आप कितने वॉश कर लो इसको बदबू जाती ही नहीं है और कंटिन्यूसली आती रहेगी। लेकिन फिट एंड फिनिश वाइज देखा जाए तो अभी भी ये टिकी हुई है, काफ़ी बढ़िया है। नेक्सॉन का मैं देख रहे आप, नेक्सॉन का ही मैंने वेरियंट लिया था। उसके बाद मैंने परेशान हो कि यार क्या किया जाए, बदबू गाड़ी के अंदर बहुत आ रही थी, मैंने इसका फिल्टर चेंज करा दिया, इसके डक्ट चेंज करवा दिए, लेकिन बाद में मेरे को लगा यार कि बदबू क्यों आ रही है, तब मेरे को मालूम चला कि बदबू यहाँ से आ रही है, इस मैट की वजह से आ रही है। इसको कितना भी वॉश कर लो, कितना भी धो लो, कितना भी सुखा लो, जैसे ही आप इसको गीला पैर रखेंगे वो सब अब्सॉर्ब कर लेगा और सारी बदबू गाड़ी के अंदर फैलाता रहेगा। उसके बाद मैंने ऑनलाइन देखा कि काफी सारे अलग अलग मैट्स भी आ गए, 7D पता नहीं कितने डी वाले मैट्स आ गए हैं। बेसिकली उनका फंक्शन ये है कि वो प्लास्टिक के रहेंगे और प्लास्टिक के शेप के साथ कटे हुए रहेंगे। उसके बाद मैंने ये परचेस किया, ब्रांड के मत जाइएगा कौन सी ब्रांड है पता नहीं, तो ये है एक प्लास्टिक का PU का, आई डोंट नो किस मटेरियल का है, लेकिन ये प्रॉपर प्लास्टिक का है मटेरियल और ये जो है सबसे बेस्ट अभी तक मेरे को लगा। अब इसके ऊपर और भी काफी सारी क्वालिटीज आती है, मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप प्लेन वाला लेंगे, जैसे ये मटेरियल है, अगर आप ड्राइवर के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए ये जो मटेरियल है ये प्लेन रहे, मतलब जो टेक्सचर है वो प्लेन रहेगा तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है वो। सबसे पहले आप देख लीजिए ये परफेक्ट फिनिश के साथ आता है, मतलब परफेक्ट कटआउट के साथ आता है। दूसरा, ये जितनी मिट्टी इसके अंदर पड़ेगी ना वो सबको इकट्ठा करके रखे और कहीं भेजेगा नहीं, फेंकेगा नहीं, तो आपका जो नीचे वाला मैट है वो भी सेफ रहने वाला है। जैसे वो है उसमें जगह कम थी, ये अब्सॉर्ब करता था, ये अब्सॉर्ब नहीं करता मिट्टी को, तो जैसी मिट्टी है वैसे ही पड़ा रहेगा इसके ऊपर। इसको निकालो, झाड़ो और गीला कपड़ा लो, साफ कर दो, फिर से नया। और तीसरी सबसे बढ़िया चीज, इसको गीले पैर रख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सूखे पैर रख लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको धूप में सुखा लो, पानी के अंदर बरसा लो, कुछ भी कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लास्टिक रबर है। आई डोंट नो कौन सा मटेरियल है, शायद प्लास्टिक रबर ही मटेरियल होगा, ये कहीं फिसलता भी नहीं है, क्योंकि आप शेप देख सकते हैं थोड़ा सा उठ के बना हुआ है, तो इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन
ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये आपको 1500-2000 के बीच मिल जाएगा, ये आपको 3000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी के पीछे की तरफ भी लगाया हुआ है, आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ लगाया हुआ है पूरा, तो पूरा उधर से दिखाता हूँ। ये देख लीजिए पूरा फिट एंड फिनिश के साथ आता है, तो जितनी मिट्टी है ये ऐसे होल्ड करके रख लेगा, तो आपकी गाड़ी के अंदर मिट्टी कहीं नहीं होने वाली। अभी मेरी गाड़ी काफ़ी गंदी है, काफ़ी टाइम से मैं इसको धोया नहीं है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर बदबू अभी तक नहीं आ रही है, चाहे कितना ही पानी इसके अंदर गया हो, बस निकालो साफ करो हो गया। तो ये सबसे बेस्ट है और आपको ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, कोई भी ब्रांड का आप देख लीजिए। इसके बाद एक और आता है जो घास का मटेरियल होता है, जैसे ये वाला ब्लैक का मटेरियल है, वो घास का मटेरियल होता है, उसको आप अपने शेप के अकॉर्डिंग कटवाते हैं गाड़ी के अंदर। अगर वो भी आप लगवाते हैं तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि वो क्या करता है कि अंदर आपकी धूल मिट्टी पकड़ के रखेगा, लेकिन उसको झाड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झाड़ेंगे नहीं उसको बार बार मतलब रेगुलर बेसिस पे, तो वो बदबू फैलाना स्टार्ट कर देगा, तो उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज़ वो सबसे बेस्ट है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, कहीं फैलाता नहीं है। और जब बारिश का टाइम होता है, अगर आप गाड़ी के अंदर इसके ऊपर वो और लगवा लेंगे तो वो और अच्छे से काम करेगा। मैं कोशिश करता रहूँगा हर हफ्ते आपको एक एक एसेसरी के बारे में बताता रहूँ, गाड़ी के अंदर कौन सी आपको लगवानी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एसेसरी लगवाता रहता हूँ और बहुत सारी एसेसरीज मेरे पास आती भी है रिव्यू के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। अगर आप इन एसेसरी के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो हमारी एक वेबसाइट है mymotorgaadi.com, वहाँ पर हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, अभी कमिंग सून स्टेज पे है। वहाँ पर जो भी एसेसरी हम रिकमेंड करते हैं आपको वीडियोज में बताते हैं, तो वहाँ पर वो आपको लिस्टेड मिल जाएगी, आप अमेजोन के थ्रू परचेस कर सकते हैं। हम उनको सेल नहीं करते हैं, हम आपको अमेजोन का लिंक देंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का लिंक देंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डैश कैम लगवाया हुआ है, मैं इसको बनाता नहीं हूँ, मैं इसको सेल नहीं करता, मैं रिटेलर नहीं हूँ, होलसेलर कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं यूज करता हूँ इसको, काफी अच्छा है, रिकमेंड करता हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं कौन सा वाला है, तो उसका लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट mymotorgaadi.com मिल जाएगा। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं कि सीट गैप फिलर है, ये भी काफी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसी काफी सारी एसेसरीज हम यूज करते हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर वो वेबसाइट रेडी हो जाएगी mymotorgaadi.com के स्टोर के ऊपर, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको कोई भी डाउट है इन सब चीजों के बारे में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।